माड़ी आसुची विश्वर सबुठ बड़ बात्या घंटा को 275 किलोमीटर बेगरे बढ़ुची पवन आसुची सबुठ शक्तिशाली बात्या चलित बर्ष सबुठ शक्तिशाली बात्या हेबो जहाकि अत्यंत भयंकर पाणीपाग विज्ञानी एजेन्सी कहिछि बुधवार यह मुख्य किवानी द्वीप पहुँचे आशा करपरिक घंटा प्रति 198 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो यहसह केन्द्र स्थल में 270 किलोमीटर बेगरे गति करुछि दक्षिण पश्चिम जापान किवानी किछि अंचल बात्या हिमानोर अधिक क्षयति घटाए बोली जापान पानीपा विभाग आकलन करछि। एही सप्ताह शेषे एक प्रिडक्टर मुख्य द्वीप पहुँचार आशंका रही गुरुवार पर्यंत किवाना एवं साकिसीमा द्वीपपुंज पवन बेग आहुरी बढ़िबो शुक्रवार ओकियानार दक्षिण समुद्र उपर एही झड़ स्थिर होई पुनर्बार फिक्टर निकटतर होगापी उत्तर देव गति कर आशा कर सूचना योग्य अक्टोबर 2019 हागीबसी नामक एक झड़ जापान अनेक ध्वंस घटाई झड़ जो अनेक लोकों मृत्यु होता घूर्णिबल घंटा प्रति 216 किलोमीटर पवन बोला तेज यह बात्या हिमनोर प्रभाव में समुद्र जुआर 50 फुट बा 15 मीटर उच्च को उठिपे सुपर टाइफुन प्रभाव में बढ़ुवा पवन को देख लोक मनरे छानिया पशि लोकों छाती धड़धड़ होता बेले जापान मेट्रोलोजी एजेन्सी यहाँ 2022 सबुठ बड़ बात्यार आख्या जदि एपरी अवस्था बात्या स्थल भाग माड़ हुए तेज भयंकर क्षयति होबार आशंका प्रकाश पाई हंगकंग पाणीपाग विभाग कही दिन 10 सुधा टाइफुन जापान ओकियोमा 230 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत होता है। यह पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे घंटा प्रति 22 किलोमीटर बेगरे द्वीपपुंज मुहाँ हो तेज स्थलभाग के पहुँचब ए विषय कहुपारे अंपे आमेरिका जॉइंट टाइफुन वार्निंग सेंटर कही सुपर टाइफुन आगामी दिन में सामान्य दुर्बल हो पाए तथापि यह प्रभाव में पवन घंटा प्रति बेग 200 किंबाता रोब तेज आपुवे टाइफुन कौन तेज आपई रखु लाइक साइक्लोन जमी इंडिया कहते से ही जापान होगा बात्या को टाइफुन कहुए तेज सूचना पर जापान सरकार बात्यार मुकबिला प्रस्तुति आरंभ कर लोकं सतर्क रही यह स्थलभाग निकटवर्ती उपकूलवासी को स्थानातरित करने को सरकार लक्ष्य रखिंट।